व्हाइट पेपर श्वेत पत्र हिमाचल प्रदेश विधानसभा में रखा और हम एक बार फिर से आपके सौजन्य से एक बार फिर से कह देना चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश की जो वित्तीय हालात बने हैं वो उस हालात के लिए पूर्व की भाजपा सरकार पूरी तरह जिम्मेवार है और सबसे अहम मसला ये है कि जो 15वां वित्त आयोग है उसके समक्ष जयराम सरकार हिमाचल का पक्ष सही तरीके से प्रेजेंट नहीं कर सकी है। 15वें वित्त आयोग के समक्ष जो है और जब 14वां वित्त आयोग आया था और उसके समक्ष बहुत प्रभावशाली तरीके से पक्ष रखा गया था कांग्रेस सरकार के द्वारा और उस समय हम सब लोग मिले थे वित्त आयोग से और सरकार ने अपना पक्ष रखा और 13वें वित्त आयोग की तुलना में धन का कुल हस्तांतरण उसमें 232% की इंक्रीज हुई थी 232% की इंक्रीज हुई 14वें वित्त आयोग में। और जब जयराम जी की सरकार थी 15वां वित्त आयोग आया तो 14वें वित्त आयोग की तुलना में 5 वर्षों की तुलना में केवल 8% की इंक्रीज हुई। अब आप इस बात से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना वित्तीय स्थिति का जो है अपना पक्ष रखने में जब सरकार नाकाम हो गई तो वित्त आयोग के समक्ष सही पैरवी ना करने की वजह से वित्त आयोग के समक्ष सही बात ना रख सकने की वजह से सिर्फ 8% की इंक्रीज मिली और उससे पिछली दफ़ा जो है 232% की इंक्रीज हुई थी। और ये इससे बड़ा सबूत हो नहीं सकता कोई भी कि जयराम सरकार वित्तीय मोर्चे पे पूरी तरह असफल साबित हुई। अगर इन्होंने कुछ गलत ना किया होता तो आप देखें कि 5-6 चीज़ों का जो सवाल हम पूछ रहे हैं पूर्व सरकार से, पूर्व सरकार में जिन लोगों ने नेतृत्व दिया, जो सवाल हम पूछ रहे हैं उसका जवाब तो दे नहीं रहे हैं। कर्ज की सीमा 1 घटाई, फॉरेन फंडिंग की सीमा वो भी घटा दी और ओपीएस का पैसा दिया नहीं और जो हमने वाटर सेस लगाया था उसमें कंपनियों को जो है भड़का दिया गया।